जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। खबर पुलवामा से है, जहां पर पुलवामा के कसबयार इलाके में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। दो आतंकियों के फंसे होने की खबर बताई जा रही है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह सवेरे ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई है। लगातार ऐसी खबरें जम्मू कश्मीर से आती रहती हैं और एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है पुलवामा में सेना की आतंकियों संग। इस बार ये मुठभेड़ हुई है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस वक्त भी पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार आतंकियों की खोजबीन की जा रही है, सफाया किया जा रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। मुजम्मिल भट्ट इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुजम्मिल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुजम्मिल, क्या जानकारी आपके पास भी है, कितने आतंकी हो सकते हैं? क्योंकि ये जब हम अपने दर्शकों को अभी खबर बता रहे हैं तो अभी भी मुठभेड़ जारी है। मुजम्मिल, पुलवामा का बिल्कुल आगे जंगलात का इलाका है जहाँ पे ये मुठभेड़ अभी इलाके स्टार्ट हुई है, जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है अभी भी। और अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि दो से, बताया जा रहा है जरा कि बोलने के हिसाब से दो से तीन लड़कों के फंसे जाने की खबर है। अभी कंफर्म नहीं है, अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि कोई क्या हुआ है वहां पे। ठीक है मुजम्मिल, लेकिन खास तौर पर कौन से ऐसे और इलाके हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कितने आतंकी हो सकते हैं जो छुपे हुए हैं, या किसी से आपकी बातचीत हुई हो, किसी अधिकारी से खास तौर पर, या सेना की तरफ से कोई ट्वीट करके जानकारी दी गई हो? नहीं आया ना आज कश्मीर से कोई ट्वीट आया है जी। तो अभी बिल्कुल ऐसा है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, अभी कोई ट्वीट नहीं हमको देखने को मिला है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे तो जंगलात का एरिया है, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये बताया जा रहा है कि दो से तीन मिलिटेंट छुपे हैं, तो अभी मारे जाने की कोई खबर नहीं।